अरे क्या हो गया इसमें? होता ही क्या, खराब कर लाया। खराब कर लाया और क्या ना? कौन? वही अमिता। और कौन जाना? क्या हो गया, नीरा धुआं फेंक रही अभी। उसे क्यों खोल रहे हो तुम? इसमें तो पानी ना है। लगन में से कब आया? आयो आज आया, 3 दिन में। 3 दिन हो गए ना जी? 3 दिन कहाँ हो गए? तुम्हें कहाँ पता रहेगी, तुम्हें कुछ पता थोड़ी रहे। पौवा पी के लौट जाओ तुम तो। अच्छी जी, कौन कौन गए थे? वही गए रंपू के दोनों। रंपू का बड़ा वाला होगा? एक तो बड़ा था वही शराबी, अरे वो था पांडे सांडे, बिगाड़ दिया मेरा लोंडा। कितनी बार मना कर रखी मैंने, रंपू के लोंडो के साथ मत रहो, लेकिन सारे नहीं उनके पिछवाड़े बड़े रहते हैं, बिगाड़ दिया सालों ने। बड़े वाले ने बड़े वाले बिगाड़ दिए, छोटे वाले ने छोटा वाला। तुमसे कहती ना हूं क्या? रोक लो, तुम रोको लोंडो को। इसमें आएगा 50,000 रुपए खर्चा, कौन करवाएगा? तुम ही करवाओगे। इतना सीधा लोंडा था मेरा, पता ना क्या कर दिया रंपू के ने। पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही तेज था। मान जाओ मेरी बात, मान लो, कहीं दिखा लो भगत उगत पे। जाना क्या कर दिया रंपू को ने? कुछ ना होने वाला, रंपू के पूरे ऊते लिपटे पड़े बुरे तरीके से, भगत पगत से कुछ ना होने का। गए कौन कौन थे ये? एक तो अपना बड़ेला था अमित, और 2 रंपू के थे, और 2-3 शराबी और थे। शराब पी के सालन ठोक दी गई हूँ। अब इसे देखते रहोगे, चलो मैं उसके घर को रंपू के। चल जरा एक बार मैं रंपू के लोंडो को देखूँ आज। अब वो है कहाँ बड़ा वाला साला? वो सॉरी होगा पी के। और क्या, सोए गई 3-4 दिन में आया, नींद तो पूरी करेगा। इतने फोन करे हैं मैंने, कोई से ने फोन नहीं उठाया, ना तो रंपू को उठाया कोई से ने, और ना हमारे वाले ने उठाया। हमें तो चूतिया मारना खा सालों ने। उसने मना करी होएगी, रंपू कौन है? अरे मैं नु कह रही हूँ घूमो, तभी से घूमो, घूमने कौन मना कर रहा? अपना गाड़ी तोड़ लाए है, और खेत कितना पड़ा है अपना, वो गया ना कटी भी तक एक बूनी पड़ी है, अपने काम भूल के हमारा लगा पड़ा। किसी चीज की फिक्र? घर चल सारे रंपू, घर चल एक बार। चलो चलिए, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। चल जरा। रंपू! अरे चाचा यार आप बैठ ले यार। भाई बैठने लायक थोड़ा तो नहीं तुमने हमें? क्या हो गया ऐसा? तेरा लोंडा गया है हमारे लोंडे को लेके 3 दिन पहले। हमने कही चल पड़ोस का मामला है, हमारे लोंडे ने गाड़ी मांगी, टीकाराम की लोंडे की लगन गई थी। हाँ हाँ हमारे भी गए थे दोनों। तुम्हारे लोंडे को तो करामात बताई रही हूँ सारी। क्या हो गया? गाड़ी लेके गया हमारा लोंडा, बहन चोर मुझे एक झलक दिखाई दी बहुमा। उसके बाद ऐसे निकले तेरे लोंडे हमारे लोंडे को लेके नैनीताल पहुंचे डायरेक्ट। कल लोंडा तेरा भी तो गया था साथ। तो मैं क्या मना कर रहा हूँ, लेकिन गाड़ी जो ठोक दी हमारी। गाड़ी ठोक दी? 50,000 रुपए का नुकसान हुआ। रंपू बता रही हूँ मैं, अगर मेरी गाड़ी ठीक नहीं करवाई रात रात के अंदर, रिपोर्ट करूंगा, रिपोर्ट दोनों के नाम की। कल लोंडा तो तेरा भी जाएगा जेल में। तो मैं अपने की भी करूंगा, पहले करूंगा अपने की बाद में तेरे की। अन्य रात रात में मेरी गाड़ी ठीक होनी चाहिए, अन्य अच्छी बात नहीं है। रंपू ध्यान रखी तू। अरे यार चाचा बैठ ले तो ले जाना। बैठूंगा बाद में, बिल्कुल कायदे की बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल अन्य रिपोर्ट करूंगा तेरे लोंडो के नाम की। अरे चाचा ठीक करवा दूंगा, काहे गरम हो रही है इतना? गरम ना बात गरम की नहीं है, बात गाड़ी की है यार, दूसरे गाड़ी है हमारे साले गाड़ी है वो। मतलब हम जा चल रहा हूँ दादा। राम राम। राम राम, तू गया था भाई हमारी गाड़ी को लेकर हमारे लोंडे के साथ? हाँ शादी में गए थे। शादी में गए थे? तो गाड़ी की तुमने बहन एक करी है, वो से कौन ठीक करवाएगा? गाड़ी चलाया तो तुम्हारे लोंडा रहा था। अरे बात चलाने की नहीं है, बात तू था ना साथ है? जब तुम वहां लगाने में गए थे तो तुम्हारा क्या मतलब पड़ने हुआ जो तुम वहां नैनीताल पहुंच गए? भाई क्या मतलब पड़ रहा तुम्हारा वहां जाने का, बताओ मुझे। कह तो रहे करा देंगे ठीक, बात कराने की नहीं करवानी पड़ेगी रंपू, बात करवाने की। लोंडे तेरे हाथ से निकल गए, मैं तुझसे पहले भी कहता था, अब भी कह रहा हूँ, मैं जो कहता हूँ वो कहता हूँ, खरी बात खरमुल्ला के और सबके मन से उतरा रहे। तेरे लोंडे निकल गए तेरे हाथ से, लेकिन मेरे लोंडे के साथ रहने की जरूरत नहीं है तुझे, समझ गया तू? अरे मेरे लोंडे बहुत बढ़िया हैं, पूरे गांव में नहीं है ऐसे लोंडे। वो तो खैर तेरी पूरे गांव में चर्चा हो गए थे लोंडो की, अच्छा मेरे लोंडे की मोहन लगी, मेरी गाड़ी शाम तक ठीक हो जाएगी, समझ रहा तू? अरे चाचा हो जाएगी ठीक, टेंशन ले रही मैं रिपोर्ट करूंगा नहीं रिपोर्ट। अरे रिपोर्ट ही करके आ जा, पहले तेरी रिपोर्ट ही देखूं मैं। अरे पापा करवा तो देंगे दादा, मैं कह रहा हूँ ना करवा देंगे। करवानी पड़ेगी, नहीं करवाओगे जेल जाओगे, बता रही हूँ पहले। अरे चाचा कह तो रिया मेरा लोंडा करवा देगा ठीक, काउ टेंशन ले रहा है? अच्छी बात नहीं है यूँ दूसरों के लोंडे को तुम बिगाड़ ले, चल ले को मैं कहीं पाकिस्तान में बैठा हूँ कैसे? कितनी लड़ाई करोगे, क्या करवा मेरा ससुरे
लौंडे के साथ दिख मत, ये कोई से बता रही हूँ मैं। तो अपने लौंडे को समझा तू। लौंडे मेरे समझे समझाए हैं, तेरे लौंडे के फोन जाते हैं, ये मिस कोड बनाते हैं बैठ के वहाँ कि आज शाम को कहाँ पीनी है कौन सी पीनी है, और वहीं जाते हैं फ्री पीने के। वो कहाँ है पांडे, कहाँ है? अरे पता ना होगा कहीं पड़ा है। सारी करामात तो उसकी है, साला बनाते फिर रहे फिल्में फिल्में। क्यों साथ तो तू भी था? ले गई मुझे वो जोस्ती। तू तो बड़ा समझानी चाहिए। कमी हमारी ना, कमी तुम्हारे लौंडे की अमित की। मेरा लौंडा बहुत शरीफ था, पढ़ने लिखने में इतना होशियार था, उन्हें पांडे साड़ी ने तो छोटा वाला बिगाड़ दिया सुमित, और तूने अमित को बिगाड़ने में कमी ना छोड़ी। गाड़ी कौन लेके गया चलाएगा? गाड़ी को वही लेके गया चलाएगा। तो तुम नहीं दी होगी। मैं लेकर तू गया ना, तू भैया ऊँट की चूतर चार्टर लाख होगी इसमें लगा के। अरे दादा ससुराल थी मेरी नैनीताल की, इस मारा लगवा के ले गया उसे। तेरी ससुराल थी तो अपनी गाड़ी लेके जाता ना, हमारे साले की गाड़ी हमारे घर खड़ी है, दूसरे की गाड़ी है तोड़ कर लिया है उसे। दादा बोल तो मेरी बात, अगर गाड़ी ठीक करवाता है तो सही है, अन्य कल को रिपोर्ट देंगे जाकर मीनाक्षी को। दादी मेरी बात सुनो, गाड़ी नैनीताल में ठुकी, बिल्कुल भी गाड़ी ठुकी है सवाचुर वाले मंदिर। पापा कहीं भी ठुकी है, ठुकी तो है तुमने नहीं, तुम्हारे ठोकी है। अरे चाचा तू गाड़ी ठीक हो जाएगी तेरी, जा। मेरी गाड़ी ठीक होनी चाहिए, सुबह को नहीं रिपोर्ट कर दूंगा मैं। अरे जा तेरी गाड़ी ठीक हो जाएगी। नाम दर्ज। जा। जो लौंडे को बिगाड़ दिया हमारे सालों ने। चलना फिर मैं भी। नहीं रुक, यू बता पहले गाड़ी कैसे टूटी है। बता तो रहे हूँ, नैनीताल को जा रहे थे, वो मेरी घरवाली का जन्मदिन था, उसने बुलाया तो मैंने सोचा दावत में तो आए हैं, गाड़ी नैनीताल को ही मोड़ दें। हमने गाड़ी नैनीताल को मोड़ दी यार, वो इनका ज्ञान सिंह का चला रहा था बड़ा वाला अमित, और उसने ठोक दी गाड़ी पी गए। मैंने तुझसे कितनी बार बोला था उस ज्ञान सिंह के लौंडे के साथ मत रह, नहीं उसकी पीछा पड़ा रहेगा। हमारे घर की तो पुलिस टूट ही ना रही, पहले छोटे वाले ने पुलिस बुला ली, अब तू आई क्या? तो मैं क्या इसमें, मेरी थोड़ी ना गलती थी इसमें, बिल्कुल ठोकी तो उसने दी ज्ञान सिंह के ना, कह तो रहे ठीक करवा दूंगा। किस दिन वो मर गया ना तो साले इल्जाम तेरे पे आएगा, बता रहे हो खिंचे फिर जेल में तुम दोनों, हमारी तो साले को इज्जत ही ना घर में। बुढ़ा पागल हो गया दिखा है। एक्शन है, एक्शन। ओ सुन ले मित्र, अमरोहा से है हम, और खाल में भरते हैं पित्तल, और सुने शेर ही कहते हैं, शेर ज्ञान सिंह कहते हैं। अभी साले वीडियो बना रहा यहाँ है, गाड़ी ठोक दी रंपो के लौंडो ने, और तू अभी वीडियो बना रहा। तो मैंने कहा ठोकी, वो तो रंपो को ने ठोकी, मैं कहा था अमित थाम के साथ। अमित थाम गुस्सा किसी वक्त निकालूंगा, अमित से कुछ कह नहीं सकता मैं, गुस्सा तेरे पे निकलेगा, वीडियो मत बनाया रंपो के लौंडे सर मत रहकर, अभी वीडियो बना रहा तू रंपो के साथ, भगते साले यहाँ से मैरो लेके। अगर रंपू के लौंडों के साथ तो मैं देख लिया खेत में साले गेहूं कटवा, सारी बता रही हूँ जान से मार दूंगा तेरी। रंपू के लौंडे के साथ अभी मैं तो छोड़ नहीं रहा। तो रंपू के कहा साथ था, विजय पालकी के था। विजय पालकी कौन सा काम है, सारे मोहल्ले के लौंडे बिगाड़ रखे इनने, गड्ढे में बिठाया गया लौंडे को, और घूमता फिरेगा वीडियो बनाता हुआ। अच्छा क्या हो गया, पैसे भी तो मिल रहे हैं। ऐसे पैसे मेरे मुंह पर रख दे, ले गया लौंडे को, हम घूम रहा हूँ लेके उसमें मनाली में घूम रहा हूँ लेके, बर्फ से घूमते फिर रहा हूँ। हाँ लेके गया था पराठे बनवा के, 15 पराठे, पता कितने आटे के बने, कम से कम आधा किलो आटा गया होगा उसमें। हाँ तुम तो घूमे ना, हमें भी ढूंढो कहीं। तो उससे कहता ना विजय पालकी, तो खुद लेके जाएगा पराठा, जब लेके गया तो खर्चा खुद करता। हाँ तो करो ना, नहीं करा सारा खर्चा। खर्चा कैसा करा, जब तुम्हारे काटेगा ना एक तारीख को हिसाब करेगा, तुम्हारी तनख्वाह में से काटेगा सारे। अब इतने दिन से काम कर रहे हैं ये, एक रुपया रखा है हाथ पे अपने, आज तक 1000 रुपए तो लाके दिए उस दिन में अपने दादाओं की दवाई लेने। 5-6 महीने से काम कर रहा हूँ भाई, 1000 रुपए मिले इसे, अब क्या कमा रहा तू? तो हमारे खर्चे ना होते हैं कुछ है? तो लौंडी आवाज तू नहीं कर रहा, शराब तू नहीं पी रहा, तेरे पैसे जा कर गया है, मुझे लगा सारा पैसा साले ही गाजवाद में ले रहा अपना। आप तो मेरा दिमाग खराब हो गया, मुझे कुछ ना पता, मेरा ब्याह करवाओ। देख रही है इसका ब्याह की पड़ गई से, पर लौंडिया कुंवारी बैठी है बड़ी वाली, उसके ब्याह की सोच नहीं रहा, कोई भैंस मनाली घूम रहा, कोई शराब पी रहा, कोई गाजवाद में पैसा भेज रहा है। गड्ढे तोड़ के खड़ी कर दी, उसमें लग जाएंगे तेरे पैसे। अपने बाप से कहा लौंडे से कहूंगा ठीक वो गाड़ी आ जाए, मैं जा रहा हूँ, मैं वीडियो बनाऊंगा पांडे के साथ। ले
रंपू के लोंडे ने जरा क्या घुट्टी पिला रखी है इसे, जैसे आवाज मारेगा तुरंत निकलता है। चलो छोड़ो अब, इतनी बात तो मेरी नहीं मानता जितनी रंपू के लोंडे की मानता। मुझे तो ये लगता कभी कभी रंपू के लोंडे का कुछ घोटाला तो ना चल गया। कहाँ है अमित? यार क्या बताऊं भाई, मेरा तो बड़ा दिमाग खराब है भाई साहब। जितने दिन यू बाहर रहा ना, मैं तो बड़े चैन से रहा, आराम से मेरी जिंदगी बड़े मजे में कट रही थी। यार उल्टे सीधे काम यू करे, पिटे हम और बता बुढ़े ना भी मारा मुझे, नु कहीं गाड़ी तोड़ दी उनने, पर गाड़ी उनने तोड़ी तो उसे मारो जाए क्या, मुझसे क्या मतलब पड़ लिया यार। हमारी तो जिंदगी खराब हो गई यार। पहले गुजरात में था यार, बढ़िया था मैं आराम से। तू मरा जा रहा करवा दूंगी गाड़ी ठीक है। अरे यार गाड़ी ठीक हो गई, गाड़ी ठीक होने सब कुछ ठीक थोड़ा हो रहा। अब यू भी तो ठीक होना चाहिए, पता ना कब सुधरेगा, पता ना जिंदगी में करने के चाह रहे हमें तो यू ना पता चल जाए इनका। कभी गुजरात को भज जा, कभी माता भज जावे, मां आ जावे तो 8-8 दिन घर से न जाता। अब ऐसा कौन रख लेगा तुझे अपनी कंपनियों में। अब कहां गया वो? अब भी वो पड़ा, अब भी आंखें लाल हो पड़ी है भाई साहब, दिमाग खराब इतना हो रहा। अपन बाद में मौका मार देगा पांडे पियो पड़ा। पांडे पियो पड़ा और क्या, ना उठने तैयार ना बिल्कुल भी भाई। पता ना कितना सीधा था यू पांडे, मेरे से नू कहवे था भाई साहब जिंदगी में कभी दारू को हाथ नहीं लगाने का, बताइए यू भी पीने लगा, पता नहीं इसे कहां से लत लग गई। देख बीच की जड़ है तेरा बुड्ढा ज्ञान सिंह, अब मैं बताऊं ज्ञान सिंह दिया मारता उसकी वजह से। एक बार ज्ञान सिंह ने लाई निकाल दे, सोच के रहा निकाल देना लाई। अबे यार ये उल्टे सीधे काम ना कर रहा तू, मेरे बापू तो मुझे कुछ भी ना कहवे। एक बात बता, तेरा बुड्ढा मेरे को क्यों नहीं मारता, कभी सोचा क्यों? अबे अमित ने तेरे बुड्ढे में लाइल का लखी है। तो तू क्या कहना चाह रही है? एक काम कर, शाम को पोवा पी और ज्ञान सिंह में जाकर नलाई निकाल दे। मेरे से न होने का यार यू काम। बस इसलिए तुम डर रहे हो, इसलिए पिट रहे हो। अबे वो कितने कारनामे करिया, वो कुछ भी करिया, अबे बिल्कुल भी तेरे बुड्ढा कुछ कहता नहीं उससे। एक बार मैं धमका दूंगा तो फिर मुझे भी ना पीटने का। अजी पीट रहा है तुझे, क्या डर करेगा तुझसे? यार मेरे पे पैसे ना आप हुए के मुझसे लेगा तू? बाद में ले लिए, फिलहाल पिलवा दे। जा अपनी भाभी से ले जा जाके। चल ठीक है, वैसे डरन लगेगा ना? पक्का मानने का तो नाम मुझे और शाम को ही ले फिर, ऐसा तांडव करूंगा, ऐसा तांडव करूंगा देखिए तू। जा तू सालो, अब आएगा मजा बहुत आ रहा ना हमारे घर से कात ले लेके, अब बताऊंगा सालो। राधे ज्ञान सिंह, भाजने का काम भर लिया तेरी माँ का, बाहर निकल साले, तू कहाँ है निकल अभी बाहर से? मतलब रंपू के लोंडे ने तुझे शिकायत शराब पीनी? वे साले रंपू के लोंडे को खुद मत कर दिया यार, मेरे जान से मार दूंगा अगर उनके बारे में एक लफ्ज भी बोल दिया तो। अपने बाप का गिरवान पकड़ लिया था, तेरी माँ का बाप मारू, बहन से बाप हो गया साले, जान से मार दूंगा हल्के में ले लिया तुम मुझे, हल्के में मेरे। हाँ बता बता क्या कह दिया? बता मुझे पता तो किसके चढ़े हम बोल दिया किसके, जरूर ये रंपू के लौंडे तमाकू मैं चलाऊंगा, तमाकू मेरे लिए बनी है दो कुत्ती, तू भी खाएगा? बना रही हूँ तेरे लिए, बेटे बना रही हूँ।
मजा आ रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, मुर्गा बना रहा, मिलना चाहिए मुझे यहीं तो। क्यों रे? बहनचो जरूर यो करामात रंपू के लोंडो की है, आध हाथ रुवा दे मेरे ऊपर। आसा अरे कहा नहीं बाहर हुआ, रंपू घर को चलने सिखा दे लेके माँ का।